हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम आदित्य है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के बीच में इस एनएसटी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ। आज हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे साथ इस बिज़नेस में जो इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं दो चीज़ों को लेकर एक्साइटेड हूँ। सबसे पहला तो एनएसटी ग्लोबल है जिसके बारे में आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में, और सेकंड थिंग जो मेरे मेंटर हैं, जैसा कि हमें बोला जाता है कि गुरु जो है वही हमारा मार्गदर्शक होता है और गुरु का कहीं पर भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं सबसे पहले अपने जो मेरे जो बिज़नेस पार्टनर हैं, मेरे जो सीनियर हैं, मिस्टर लॉरेंस सर, जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी, जो इस प्रोजेक्ट को इंडिया में एक एज अ लीडर की तरह अब लीड भी कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा और उनके गाइडेंस के हिसाब से फिर हम आगे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू लॉरेंस सर। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज लॉरेंस स्टिग्लिट्स कॉलिंग यू फ्रॉम यूरोप। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं लॉरेंस स्टिग्लिट्स बात कर रहा हूँ यूरोप से। I'm glad, you know, to see so many people joining this webinar, not only from India but also see some from other parts of the world, which actually reminds me that NHT Global offers truly global business for everyone. So basically, sir, बहुत excited हैं आज इतने सारे लोग हमारे साथ meeting में आ रहे हैं और इतने सारे लोग इस opportunity को देखना चाह रहे हैं और India को लेके सर काफी excited हैं। Yes, sir. And I have been with NHT for several years already and have seen actually a huge growth explosion over the past years. सर काफ़ी साल से एनएसटी ग्लोबल के साथ हैं और उन्होंने ह्यूज ग्रोथ जो एनएसटी ग्लोबल की हुई है उसको उन्होंने खुद से अपनी आंखों से विटनेस किया है। And it's due to, of course, of the leaders and also what I'm seeing that many new distributors who haven't previously had network marketing experience due to their products and mentorship and training, they actually also achieve quite significant income levels and are building quite successful businesses in their countries. Okay. और काफ़ी साल से सर ये भी चीज़ देख रहे हैं कि NHT Global में ऐसे बहुत सारे लोग जिनको बिजनेस का या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग भी आके आज इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि NHT Global के पास बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अच्छा सिस्टम है। Last year, NHT opened also new countries like Peru, Singapore, Malaysia. I think now it's time for India. और last year company ने तीन countries को open किया, Peru, Singapore और Malaysia. और अब हमें लगता है कि India में आने का right time है. This year, I think will be very excited times for leaders in India who see NHT as a global business opportunity. और ये अपॉर्चुनिटी लीडर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होगी जिनको इंटरनेशनल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की तरह जो एनएसटी ग्लोबल को ट्रीट करना चाहते हैं। फॉर मी देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, नॉट इफ यू आर गोइंग टू लॉन्च एनएचटी इन इंडिया बट व्हेन। मेरे लिए एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन कब, इसके बारे में हमारा मेन टारगेट है। यू शुड आस्क आल्सो योरसेल्फ, will you be one of those leaders who will be pioneers in India? Okay. और आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप वो पायनियर लीडर होंगे जो प्री लॉन्च फेज में जो कंपनी के साथ काम करते हैं और जो इंडिया में जब बिजनेस आता है तो उसके साथ वो एंजॉय कर पाते हैं सारे बेनिफिट्स को। And this is actually one of the most important things which you should think over after this webinar. With this I will end and give the mic to Mr. Aditya who will give you more information on NHT Global. So, ladies and gentlemen, grab your pen and paper to write some notes. And Aditya, floor is yours. Okay, thank you so much, sir. So, sir ने बोला कि अभी जितने भी लोग हैं, वो opportunity के बारे में detail में आज जानेंगे और उसके बाद वो बैठ के खुद सोचें कि उनको ये जो opportunity है उसकी क्या value है और pen and paper लेके साथ में बैठिए जिससे बहुत सारी information आप सुनेंगे, ठीक है। So, friends, सबसे पहले मैं इस meeting को start करता हूँ और इसकी जो मैंने वेलकम स्लाइड है, वेलकम टू एनएसटी ग्लोबल, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। और आज इस एनएसटी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की हमारी सोसाइटी में क्या वैल्यू है, क्या जगह है इस कंपनी की, क्यों आज के डेट में हमें इस बिज़नेस को सीरियसली लेना चाहिए और ये एग्जैक्टली हमें किस तरीके से पे आउट कर रही है और क्या इसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं, हमें ये आज ये जानना बहुत ज़रूरी है।
सर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बात हो रही है इंडिया की, तो हम इंडिया की बात से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया एक्चुअल में, अगर इंडिया में अगर हम एक लाइफ लीड कर रहे हैं तो ये वैसे तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हम इंडिया के लिए खास तौर से बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ जो है बैलेंस्ड लाइफ बोली जाए या अच्छी लाइफ क्वालिटी बोली जाए तो उसके लिए 5 पैरामीटर्स हैं जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है हमारे लाइफ में मनी की इंपॉर्टेंस, आपके पास पैसा कितना है। दूसरा है टाइम फ्रीडम, आपके पास फ्री टाइम कितना है। सिक्योरिटी, आपके आज की जो अनसर्टेन दुनिया है इसमें आपके पास सिक्योरिटी क्या है। चौथा हेल्थ, आप कितने हेल्दी हैं। और पांचवा रिलेशनशिप, आपकी सोसाइटी में आपके आसपास के लोगों से या आपकी एक सोशल रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। ये पांचों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज की डेट में लाइफ में। तो हम एक एक पैरामीटर की बात करेंगे कि आज इंडिया में जो हालात हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ मनी की, तो पुअर आदमी के पास पैसा नहीं होता, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, ये तो हम सबको पता है। अमीर आदमी के पास पैसे की कमी नहीं होती है, तो यहाँ पे अमीर आदमी सेटिस्फाइड है, बैलेंस्ड है पैसे के मामले में। मिडिल क्लास के पास पैसा होके भी नहीं होता है हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि मेरा 10 लाख का पैकेज है, तो 10 लाख आपके हाथ में नहीं होते हैं, 10 लाख का एक बहुत सा छोटा सा हिस्सा होता है जो आपको मंथली बेसिस पे आपको मिलता है। तो कहने को तो पैसा है लेकिन पैसा हाथ में नहीं होता है, और जो पैसा है वो ईएमआई और लोन वगैरह में जाता रहता है। ओके, दूसरा पैरामीटर है टाइम फ्रीडम का, ठीक है। टाइम फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो पुअर आदमी के पास कहीं ना कहीं टाइम फ्रीडम वो इंजॉय कर सकता है। और दोस्तों, टाइम फ्रीडम का मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ सर काम छोड़ो और 2 हफ्ते के लिए घूमने चलते हैं, तो एक गरीब आदमी है जिसके पास इनकम वैसे भी नहीं हो रही है, वो वैसे भी बोलेगा ठीक है आप मेरा खर्चा उठाते हो तो मैं घूमने चलता हूँ। अमीर आदमी छुट्टी नहीं ले सकता, वो अपने प्रोजेक्ट्स में और इन सब चीज़ों में इतना बिजी रहता है कि वो इस सब चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। मिडिल क्लास फैमिली को सैटरडे संडे को छोड़ दिया जाए, कई जगहों पे तो सिर्फ संडे है, तो कोई एज सच हॉलीडे नाम की चीज़ नहीं है, फ्री टाइम नाम की चीज़ नहीं है। अगर बहुत सारे हॉलीडेज कोई फेस्टिवल आ जाता है और उसके साथ वीकेंड आ जाता है तो बहुत बड़ा बोनस हो जाता है हमारे इंडिया में कि जहाँ पे आपको 4 से 5 दिन की एक साथ हॉलीडे मिल गई। सो फ्रेंड्स, टाइम फ्रीडम जो नाम की चीज़, यानी आप लाइफ में आप जब चाहें आप काम करें, जब चाहें आप काम ना करें, ये फ्रीडम जो है ये हमारे पास आज नहीं है इंडिया में। ओके, तीसरा पैरामीटर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी का मतलब है आप रहें या ना रहें, आपके फैमिली में सेम लेवल ऑफ इनकम अगर आ रही है तो हम बोलेंगे आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं। आज जस्ट आप जब घर जाएंगे तो आप एक चीज़ करके देखिएगा, अपने आप को अपनी फैमिली फोटो से हटा के देखिए एक सेकंड के लिए, और उनका क्या स्टेटस होगा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी चाहे वो पुअर क्लास हो, चाहे वो रिच क्लास हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, तीनों के पास सिक्योरिटी नहीं है। पुअर क्लास के पास उसके अर्निंग से लेके किसी भी चीज़ को लेके उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। रिच क्लास में आज के दिन दुनिया में इक्वेशंस बहुत तेज़ी से बदलती हैं, बिजनेसेस अप एंड डाउन बहुत तेज़ी से होते हैं, सो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा आपके क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग, आपके सर्विसेज के रिगार्डिंग। मिडिल क्लास बंदा भी आज के डेट में जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी कंपनी अगर लॉस में आती है तो वो ओवरहेड एक्सपेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है और उस बंदे को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। गवर्नमेंट जॉब में भी अभी पेंशन वगैरह एंड हो चुकी है फ्रेंड्स काफ़ी सारे सेक्टर्स में, तो जो लिमिटेड बहुत ही लोग हैं जिनको वो एक्चुअल में बोल सकते हैं कि वो सिक्योर हैं फाइनेंशियली, यानी अगर वो दुनिया में है या नहीं है लेकिन फिर भी उनके घर में उतना ही पैसा आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ हेल्थ के पैरामीटर की फ्रेंड। तो हेल्थ जो है, गरीब आदमी आज की डेट में आपको पता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो जगह हैं, उन पर क्या आज की डेट में एक बंदे को अगर वहाँ पर उसको हेल्थ चाहिए या अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर करना है तो आज की डेट में उसका क्या खर्चा आने वाला है। अमीर आदमी टेंशन की वजह से उसके पास नहीं है, सबसे ज़्यादा बीपी, शुगर, डायबिटीज़, जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो हार्ट अटैक, ये रिच लोगों को और ज़्यादा आपको कॉमन मिल रहा है। मिडिल क्लास बंदा टेंशन की वजह से हेल्थ नहीं रह पाता है क्योंकि उसको जॉब की टेंशन रहती है, उसको अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की टेंशन रहती है, बहुत सारे उसके अलग अलग टेंशन रहते हैं, करियर की टेंशन रहती है। और इसलिए मैं बोलूँगा कि हेल्थ के पैरामीटर में भी हम पुअर हो या रिच हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी पर्सन 100% अप टू द मार्क नहीं है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप सिर्फ एक पैरामीटर से नहीं डिफाइन होता है, नो डाउट। आपको किसी व्यक्ति से अगर रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो आप खुद पहले हैप्पी होना आपका ज़रूरी है, आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, आपके पास टाइम होना ज़रूरी है, और इसके अलावा आपका एक अच्छा नेचर होना तो ऑफकोर्स ज़रूरी है। अगर हम कुछ पैरामीटर्स को देखते हैं तो एक गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते और पैसे को ही लेकर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। एक कहावत भी कही जाती है, लैक ऑफ मनी इज़ रूट ऑफ ऑल ईविल, पैसे की कमी सभी समस्याओं की जड़ होती है। अमीर आदमी के पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है अपने घर को देने के लिए, 90% टाइम वो बाहर है। मिडिल क्लास का बंदा
सुबह से लेकर रात तक बाहर ही रहता है, तो फैमिली के लिए उसके पास कभी टाइम नहीं रहता है। टाइम होता भी है तो उसे वीकेंड पे होता है, और वो भी कभी कभी वीकेंड भी चला जाता है, और हमारा जो एक रिलेशनशिप का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो भी एक मिसिंग आस्पेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्यों ये वेबिनार सीरियसली सुनना चाहिए? अगर ये पांचों पैरामीटर्स में से कहीं पे भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, चाहे आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, चाहे आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, चाहे आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, अगर आपको लगता है कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए आपके पास, या आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप भी जो है और लोगों के साथ इम्प्रूव होना चाहिए, आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होना चाहिए, तो आपको आने वाला प्रेजेंटेशन बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए माई फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी एग्जैक्टली ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स तो काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, और हम कोई मैजिकल सोल्यूशन का क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम आपको बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से दिखाना चाहेंगे कि एनएसटी ग्लोबल का जो फ्रेंचाइजी मॉडल है वो किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक पर्सन की बात करूंगा, इनका नाम है मिस्टर रे क्रॉक। इनको आप इनके नाम से शायद ना जानते हो, लेकिन इनके ब्रांड से इंडिया का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स के ओनर हैं। तो रे क्रॉक ने जब ये मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी परचेज की थी, तो उन्होंने बहुत एक छोटा सा काम किया था। उन्होंने 3% की फीस पे बहुत सारे लोगों को मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, और इन जितने भी लोगों को उन्होंने बोला था आप 100 रुपीज़ का रेवेन्यू करेंगे तो आप मुझे 3 रुपीज़ की एक छोटी सी फीस दे देंगे। ईयर 2015 तक रे क्रॉक के पास टोटल वर्ल्ड में 30,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज थी फ्रेंड्स। तो और ये फ्रेंचाइजीज की वजह से इनको एक्चुअल में क्या मिला, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब बहुत सारे अदर भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हमारे इंडिया में, जैसे रिलायंस के स्टोर्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हर स्टोर को जाके अंबानी जाके खुद चलाएंगे, लेकिन उनकी ये फ्रेंचाइजीज ओपन है जिसकी वजह से उनको रेवेन्यू मिल रहा है। फ्रेंचाइजी के बिजनेस मॉडल का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है, आपको एक स्टैंडर्ड सर्विस मिलती है जिसको जस्ट आपको सिर्फ डुप्लीकेट करना होता है। तो पैसे की बात की जाए, अगर फ्रेंड्स मैं पैसे की बात करता हूँ, 30,000 रेस्टोरेंट से अगर 3% उनका रेवेन्यू आता है तो आपको क्या लगता है, ये छोटी इनकम है? बेशक ये छोटी इनकम नहीं, ये बहुत बड़ी इनकम है। टाइम फ्रीडम, रे क्रॉक के सारे रेस्टोरेंट्स में जाके नहीं चलाते हैं, इनको अलग अलग लोग चलाते हैं, अलग अलग ओनर्स चलाते हैं, तो इसलिए रे क्रॉक के पास टाइम फ्रीडम भी अथाह है। तीसरी मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी की। तो अगर आज की डेट में मैं बोलता हूँ 5,000 मैकडॉनल्ड्स बंद भी हो गए, वैसे तो कभी बंद होने वाले नहीं है, लेकिन अगर बंद भी हो गए तो 10,000 आने वाले 5 साल में और ओपन होंगे। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की जाए तो रे क्रॉक जो है वो सेटल्ड है। हेल्थ की बात की जाए, जब उनके पास नो डाउट ये सारी चीज़ें हैं तो हेल्थ और रिलेशनशिप ऑटोमेटिक इंप्रूव होता है। एक हैप्पी इंसान एक हैप्पी रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। सो फ्रेंड्स, ये कोर कॉन्सेप्ट है फ्रेंचाइजिंग का। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, हम और आप रे क्रॉक नहीं है, हम और आप जो है वो टैलेंटेड पर्सन नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ इन्वेंट की, लेकिन ऑफकोर्स हम एक टैलेंटेड कंपनी, एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के साथ हम एसोसिएट होकर हम सेम तरीके के बेनिफिट्स उठा सकते हैं जो आज रे क्रॉक उठा रहे हैं। आज की डेट में इकोनॉमी की रियलिटी क्या है, मैं जस्ट आपको उस पर थोड़ी सी लाइट दूंगा डालूंगा। सबसे पहली बात यह है कि ई कॉमर्स आज की डेट में एक बहुत बड़ा मार्केट है। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, न केवल इंडिया में बल्कि अराउंड द ग्लोब भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, 9 to 5 की जो जॉब है वो आज की डेट में सबको अभी खुश नहीं करती है, ठीक है। और आज की डेट में जो माता पिता हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके बच्चे वो लाइफ स्टाइल नहीं अचीव कर सकते जो लाइफ स्टाइल वो रहे हैं, या उनको जो लाइफ स्टाइल मिली वो चीज़ वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। ओके, आज की डेट में हमारे पास जो है हेल्थ के इम्प्रूव करने के चॉइसेस बेशक ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास हम जो चीज़ें हम जो खा रहे हैं, हम जैसे सो रहे हैं, हम जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, इससे हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो हेल्थ जो है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आज की डेट में अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप टेक्नोलॉजी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म की वैल्यू समझनी होगी कि आज पूरी दुनिया एक बाजार है, पूरा दुनिया एक मार्केट प्लेस है, और आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इस पूरे ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। सो अगर आपके पास ये विजन है और आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि आने वाले टाइम में ग्लोबल मार्केट की क्या वैल्यू हो सकती है, तो आई थिंक सो एनएसटी ग्लोबल आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक हो सकता है। ओके, सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है इन ये जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि आप अपने लाइफ में हार्डवर्क तो कर रहे हो लेकिन आप कहीं आगे नहीं जा रहे हो, ओके, आप अपने हेल्थ और वेलनेस के गोल्स को नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप ऐसी जॉब में अटके हुए हो जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ पे आप जाना पसंद नहीं करते, जो काम आप पसंद नहीं करते फिर भी आपको करना पड़ रहा है, या आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फ्यूचर आप चाहते हो,
ठीक है, या अपने लाइफ में थोड़ा सा और ज्यादा चाहते हो? बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ और ज्यादा मीनिंगफुल होनी चाहिए, सिर्फ ये सर्वाइवल के लिए नहीं है हमको भगवान ने ये जिंदगी दी है, और या फिर आप सिंपली एक चेंज के लिए देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, या एक मन में एक अंदर डर है कि कैसे करूं, सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है, इसको मैं छोड़ के तो जा नहीं सकता, लेकिन दिल में चाहत है चेंज की। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ, मैंने बैलेंस लाइफ की बात की, अब मैं हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करता हूँ। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के तीन पैरामीटर्स हैं, फिजिकल हेल्थ, आपका फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, इमोशनल हेल्थ यानी आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है ये आप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ मतलब आपका बैंक बैलेंस हेल्दी होना चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं ये सारा पैकेज होता है हेल्दी लाइफ स्टाइल का। ओके, और फ्रेंड्स जैसे बोला जाता है टोटल वेलनेस जो है वो चॉइस को भी डिपेंड करती है और एक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो ये दोनों चीज़ें इसको डिफाइन करती हैं। ओके, सो मैं जस्ट आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अभी आपने एक राइट चॉइस की है कि आपने इस वेबिनार को ट्यून इन किया है, और हम आपको अभी ये दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से NST ग्लोबल के सहारे आप अपनी लाइफ के पैरामीटर्स को कैसे बैलेंस कर सकते हो, चाहे वो ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो, चाहे वो ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी हो, या आपके रिलेशनशिप्स हैं या हेल्थ हैं, आप कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ NST ग्लोबल के बारे में। ये कंपनी है क्या? ये कंपनी बेसिकली आपके कैलिफोर्निया स्टेट्स में यानी यूनाइटेड स्टेट्स से कंपनी निकली हुई है, और ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है फ्रेंड्स, पब्लिकली ट्रेडेड ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस मॉडल है ये। पब्लिकली ट्रेडेड का मतलब क्या है, इस कंपनी के बारे में जो भी यहाँ पे क्लेम्स किए जा रहे हैं स्लाइड में, आप एक एक क्लेम को वेरीफाई कर सकते हो, एक एक पेनी तक, आप एक एक पैसे तक इसके हर एक क्लेम को वेरीफाई कर सकते हो। दूसरा, इनके पास हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत सारे अप्रूवल्स मिले हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और $1.8 बिलियन की इन्होंने टोटल सेल्स की हैं 2001 से, यानी क्लोज टू $2 बिलियन की इन्होंने सेल्स की है, 40 से ज़्यादा मार्केट में स्ट्रांग प्रेजेंस है, और DSA एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को गवर्न करता है ग्लोबल लेवल पे, जिसमें सिर्फ चुनिंदा लकी 100 कंपनीज को प्लेस मिलती है, हमारी कंपनी उसकी भी मेंबर है। सो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का हम बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि पब्लिकली ट्रेडेड में हमारे क्या पोजीशन है। पब्लिकली ट्रेडेड में अगर हम बात करते हैं तो यानी इसका मतलब है आप किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, और हम लोग फ्रेंड्स जैसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उसका नाम है NASDAQ, और NASDAQ जो है NASDAQ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। एक अगर आप मैं बात करूं तो आपको यहां पे एक मेरे ख्याल से शायद वॉइस का कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, सो आपको यहां पे NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है। NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज का जो स्क्रूटनी लेवल है वो बेटर है, और एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक एक्सचेंजेस, यहाँ पे आपको एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये कंपनी अगर यहाँ पे लिस्टेड है तो इसका मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, और आपको इस कंपनी के बारे में डिटेल जाननी है तो सिर्फ आप NHTC का शेयर का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रही है, और कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ रेट है, आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया, और इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने, आप क्लोज टू देख सकते हैं $2 बिलियन के करीब करीब कंपनी जो है माइलस्टोन पे पहुंच रही है शेयर मार्केट में, और $124 मिलियन का तो सिर्फ कंपनी ने लास्ट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने एक्स्ट्रा जनरेट किया है, और अभी कंपनी के साथ 13 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं 40 कंट्रीज में, 13 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी अभी ग्रो कर रही है कंटिन्यूसली नाइट एंड डे, और ये 13 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी के कुछ फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मार्केट में बहुत अपनी पहचान बनाई है, जैसे ये नोनी जूस है, ये नोनी जूस नॉर्मल नोनी जूस नहीं है फ्रेंड्स, और इसका प्रूफ ये है कि 1.1 करोड़ बॉटल कंपनी ने पिछले सिर्फ 3 साल में इस प्रोडक्ट को बेच डाला है। ये प्रोडक्ट बहुत ही यंग है, अभी हाल फिलहाल में ही आया है, और 1.1 करोड़ बॉटल्स इसकी आज तक बिक चुकी हैं, ये रिकॉर्डेड है फ्रेंड्स। हाँ, आप सही समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डेड है, 1.1 करोड़ बॉटल्स इस प्रोडक्ट की बिकी हैं अभी तक। मेरे जान पहचान में ऐसा कोई भी वेलनेस प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में जो इतने हाई क्वांटिटी में बिका है। दूसरा, हम बात करते हैं अलूरा लक्स। ये प्रोडक्ट बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, बहुत सारे इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है जो इंटीमेसी से रिलेटेड मार्केट को टच कर रहा है। इंटीमेसी से रिलेटेड मेरा मार्केट का मतलब क्या है कि अभी इंटीमेसी हमारे इंडिया में काफ़ी टैबू का टॉपिक है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं है इस फील्ड में, कोई भी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च बेस्ड ये प्रोडक्ट है,
जो मेल और फीमेल के लिए इक्वली बेनिफिशियल है. अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उस पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया, वो आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे. सेकेंड थिंग, ये प्रोडक्ट उन कपल्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है जिन लोगों को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, जिन लेडीज को, लेकिन उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं आप एकदम मेडिकली फिट हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है. तो आई थिंक सो फ्रेंड्स, अलूरा आपके लिए वो आंसर है. ये इतना स्ट्रांग प्रोडक्ट है. प्लस आपके साथ ये प्रोडक्ट मल्टीपल और भी चीज़ों पे काम करता है, जैसे कि पाइल्स हुआ, देन उसके अलावा आपके हेडेक हुआ, बहुत सारी चीज़ों में ये मल्टीपल चीज़ों में यूज़ होता है. आपको डायबिटिक फूड है, आपको घाव हो जाता है कहीं पे, वो जल्दी भर नहीं रहा है, तो भी आपको अलूरा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. और अब बात करते हैं इस कंपनी की करेंटली परफॉर्मेंस की. अगर पिछले 2 साल की मैं सिर्फ बात करूं फ्रेंड्स, तो 2 साल में ये कंपनी नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है पूरे दुनिया की. और पूरे दुनिया की मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी कंपनीज की लिस्ट की बात कर रहा हूँ. ये जो लिस्ट है टॉप 10 की, जो अगर भी आप सिर्फ लिस्ट पकड़ते हैं तो उसमें अमेजोन है, एप्पल है, फेसबुक है, गूगल है, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. और हमारी कंपनी ने इन रो 2 साल तक लगातार इनको ओवरटेक किया है ग्रोथ रेट में. और फ्रेंड्स, ये एक छोटी बात नहीं है. और फॉर्च्यून 100 मैगजीन जो है, ये कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, इसका कहीं किसी भी उसके साथ प्राइवेट लिंक नहीं आता है. इसके लिए इसको वर्ल्ड में बहुत ही रेपुटेशन की नज़र से देखा जाता है और इसकी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी लिया जाता है. तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 साल की बात बताई. अब मैं आपको ईयर 2015 की बात बताऊं, तो 2015 में ये कंपनी नंबर 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी. अगेन इसने जो है फेसबुक और अमेजोन और गूगल को पीछे छोड़ा था. सो इतनी नामी गिरामी कंपनीज के साथ ये कंपनी कंपटीशन कर पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी में कुछ तो बात होगी. नाउ अभी मैं बात करता हूँ ग्लोबल प्रेजेंस की. अफकोर्स फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडिया का मैप है उसके लिए हम लोग बेशक बहुत जल्दी यहाँ पे इंडिया का भी मैप आएगा, और इंडिया के मैप में हम सभी लोग विटनेस करेंगे जो आज यहाँ पे वेबिनार पे हैं. हम ही लोगों के सामने ये इंडिया का मैप आएगा और हम ही लोगों को ये बिजनेस मिलेगा. और ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट में आप इनकी प्रेजेंस देख सकते हैं. ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट्स में कंपनी की प्रेजेंस है. तो जस्ट अभी हमने लेटेस्ट अपने पेरू का मार्केट लॉन्च किया, हमने एशिया में भी 2-3 मार्केट्स ओपन किए. तो अभी कंपनी जस्ट स्टार्टिंग स्टेज में है और हम अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं. नाउ एनएसटी ग्लोबल को आप क्यों चूज करना चाहिए, तो इसके मैं आपको सिर्फ 6 रीजंस दूंगा, और ये 6 रीजंस मोर देन इनफ फ्रेंड्स. पहला चीज क्या है, डेडिकेटेड है और कमिटेड हमारे पास लीडरशिप है. ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ही सीरियस हैं फ्रेंड्स. कमिटेड मतलब हमारे यहाँ जो लीडरशिप है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, यानी जो कमिटमेंट है उस पर वो पूरे खड़े उतरते हैं. दूसरा डेडिकेटेड है, वो आपके हर इश्यूज में आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं यहाँ पे. और ये लीडरशिप, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं पिछले 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी इस तरीके की लीडरशिप नहीं मिली इस बिजनेस में. मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश ये लीडरशिप मुझे 6 साल पहले मिली होती तो आज मैं कहाँ होता. दूसरी मैं बात करता हूँ अगर प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो प्रोडक्ट्स तो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. कोई भी प्रोडक्ट इनका जो है वो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि क्वालिटी के हिसाब से एट पार नहीं है. बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं कंपनी को मिले हुए, जैसे कि GMP सर्टिफिकेशन है. तीसरा, ट्रेनिंग्स में कंपनी बहुत ज़्यादा जोर देती है. आपको प्रोडक्ट से लेके बिजनेस नॉलेज से लेके हर चीज़ के ऊपर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है. यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम भी है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप कभी भी, आप पार्ट टाइमर हो या फुल टाइमर हो, जैसे बोला जाता है कि हर चीज़ में एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए एजुकेशन के हिसाब से मैं बोलूँ तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको खुद में लगेगा कि इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा. कंपनसेशन प्लान की बात करूँ तो अगेन ये बहुत ही फैंटेस्टिक पॉइंट है. यहाँ का जो यहाँ पे एक्चुअल में इसको लिखना चाहिए था हाई रिवॉर्डिंग कंपनसेशन प्लान, बिकॉज यहाँ पे जो रिवार्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं आपके एफर्ट्स को लेके, और बहुत ही सारे इसके एक्साइटिंग पॉइंट्स हैं, वो आप डिटेल में आप जान सकते हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे कॉन्टैक्ट करके. जस्ट कुछ आपको बेसिक पॉइंट बोलूंगा एक लाइन में, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कंपनसेशन प्लान क्या है. आगे मैं इसको अभी और डिटेल में भी कवर करूंगा. जितनी भी कंपनीज हैं आज की डेट में जो पब्लिकली ट्रेडेड हैं, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज को ही हम अंदर से झांक के देख सकते हैं कि वो कंपनी कैसा कर रही है. तो ये कंपनी डेट फ्री है, ये तो आप आराम से चेक कर सकते हैं. दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि कंपनी पे आउट कितनी कर रही है. कंपनी अपने रेवेन्यू का 49% अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने लास्ट ईयर पे आउट किया है, जो कि बहुत बड़ा शेयर है. जहाँ पे अभी मैं इंडिया की और जो नामी गिरामी यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका मैक्सिमम पे आउट 34% का है फ्रेंड्स. तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ पे 34% है और कहाँ पे 49% है. उसके अलावा मार्केटिंग प्रोग्राम्स काफ़ी यूनिक है. मार्केटिंग प्रोग्राम्स
आप अपने बच्चों को आगे एक अच्छी करियर देना चाहते हैं, आप उनको यूएस में एजुकेशन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है फ्रेंड्स। आप कार लेना चाहते हैं, आप घर लेना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है। आप दुनिया घूमना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास प्रोग्राम है। और सबसे लास्ट में अगर मैं बात करता हूँ, आप कैश बोनसेस लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। और कंपनी की अगर मैं साइड से बात करूँ तो अनपैरेलल्ड सपोर्ट है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि कंपनी का सपोर्ट बेटर है या लीडरशिप का सपोर्ट बेटर है, दोनों इक्वल क्वालिटी के हैं, दोनों ही बहुत हाई स्टैंडर्ड के सपोर्ट हैं। सो ये फ्रेंड्स मैंने आपको 6 रीजंस दिए हैं जिसकी वजह से आपको एनएसटी ग्लोबल को सीरियसली देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ लीडरशिप की। ऐसा बोला जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन का राइज और फॉल विजनरी लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रीज उठते हैं और गिरते हैं लीडरशिप के ऊपर। सो हमारे पास जो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स में से एक हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिनके बारे में आप क्लासिकल नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स जो बहुत पुरानी लिखी गई हैं उनमें भी आप उनके नाम देख सकते हैं। ऐसे भी हमारे पास काफी बड़ी बड़ी लीडरशिप है। ओके, नाउ प्रोडक्ट्स की जैसे मैंने आपको बात की तो प्रोडक्ट्स कई मायने में यूनिक है। पहला चीज क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट की यूनिक है। आप कभी भी क्वालिटी में आप देख सकते हैं, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कंपनी ने। और मार्केट ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट है और लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बेस्ड है प्रोडक्ट। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं उस मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है ये। तो तीनों चीजें हैं फ्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड को हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। ऐसा मार्केट ट्रेंड से बाहर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं डिजाइन होता है यहाँ पे। ओके, और जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज करते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का यूज करते हैं। मैं जस्ट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया कि नोनी जूस के 1,10,00,000 बॉटल्स बिकी। फ्रेंड्स आपको पता है नोनी जूस जो है कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उसके लिए वो खुद एक अलग से दूर आइलैंड पे जाते हैं, वहां पे नोनी के पौधे को वो फ्रूट को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और 100% क्वालिटी के साथ उसको मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितने हाई लेवल का उन्होंने स्टैंडर्ड यूज किया जस्ट बिकॉज कि पौधे को पॉल्यूशन ना मिले भी कहीं से भी दुनिया भर का। और प्रोडक्ट्स की अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो रेंज बहुत बड़ी है और ये कंटिन्यूअसली ऐड हो रही है। अभी ब्यूटी के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा हमारे पास होम केयर के फील्ड में भी कुछ मार्केट्स में प्रोडक्ट है और बेबी केयर जो अभी बहुत हाल फिलहाल में ऐड हुआ है बच्चों के लिए भी हमारे पास एनएसटी ग्लोबल में प्रोडक्ट्स हैं। नाउ ये जो 6 प्रोडक्ट्स हैं मैं जस्ट आपको इनके एक एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की बात करूंगा क्योंकि पूरे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा। सो पहली मैं बात करता हूँ ब्यूटी की। तो ब्यूटी में हमारे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्किन डल्जेंस 30 मिनट्स नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट। फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट आपको एंटी एजिंग इफेक्ट का आप इससे रिजल्ट ले सकते हैं। और इसकी खासियत क्या है कि 30 मिनट के अंदर ही आपके चेहरे पे फर्क दिखाना स्टार्ट कर देता है और इसकी सेल्स बहुत ही आसान है। आपको इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता है, ये प्रोडक्ट खुद अपने आप को सेल करता है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कभी माय डियर फ्रेंड मैंने कभी बिजनेस में काम नहीं किया, मैंने कभी सेल्स नहीं की। तो फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खुद अपने आप को सेल करता है, आपको इसको सेल करने की जरूरत नहीं है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, उसको बहुत सिंपल है सेल करना। अगर आप किसी को भी पूछते हैं अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि क्या आप एक ऐसा प्रोग्राम आया है जो आपको 10 से 15 साल जवान दिखा सकता है और इसकी सबसे खासियत बात यह है कि 30 मिनट के अंदर रिजल्ट दिखाना शुरू करते हैं, क्या आप इसको ट्राई करने फ्री में ट्राई करना चाहोगे, क्या आप इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहोगे? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कितने लोग ना बोलेंगे कि अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल रहा है? ऐसे आप लोगों को आप एक छोटे से जगह पे इनवाइट करें, आप उनको अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दें और वो सामने सामने रिजल्ट देख सकते हैं और उसके बाद आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ये प्रोडक्ट जो है अपने आप को सेल करता है। तो इंस्टेंट रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोगों को किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लोगों को इन्वाइट करना हो चाहे वो प्रोडक्ट प्रमोट करना हो, दोनों ही काम बहुत आसान है। लाइफस्टाइल में अगेन मैं बात करूं तो तीनों प्रोडक्ट फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अगर मैं एक प्रोडक्ट जो अभी हमारे इंडिया में अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज अलूरा लक्स, ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीमेसी रिलेटेड इश्यूज, इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करता है, देन और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड ये टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है तो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स के ऊपर ये काम करता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है वलूरा लक्स जो सिर्फ मेल्स के ऊपर टारगेट किया हुआ है। अलूरा मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, वलूरा जो है वो सिर्फ मेल्स यूज करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। लावी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक है जो मेल और फीमेल या कोई भी पर्सन यूज कर सकता है, जो आपको एक नई एनर्जी देता है और एक नई लाइफ भी देता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स थे वो पढ़े मैंने
वो काफी एक्साइटिंग मुझे उसके रिजल्ट्स दिखे, उसकी रिसर्च देखी मैंने, तो मुझे वाकई में समझ में आया कि लाइफ स्टाइल का ये वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होगा जो हमारे मार्केट में फ्यूचर में अवेलेबल होगा. वेलनेस में अगेन कंपनी ने बहुत सारी रिसर्च की है. हमारे पास वेलनेस के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, चाहे वो आपका नोनी जूस हो, चाहे हमारा एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है स्टेम रेन्यू. स्टेम रेन्यू भी एक यूनिक प्रोडक्ट है जो भी हमारे वेलनेस कैटेगरी में अवेलेबल है और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है वो भी प्रोडक्ट. सो अगले हमारे पास रेंज है वो है लाइवा प्रो, यानी हर्बल प्रोडक्ट्स में, जिसमें एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है लाइवा प्रो, देन कॉर्डिसेप, एंड अभी एक नया रेंज में प्रोडक्ट ऐड हुआ वो है कोकुर मोर. सो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ईस्ट की टेक्नोलॉजी और वेस्ट की टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है ये प्रोडक्ट. कॉर्डिसेप, लाइवा प्रो, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप नाम लें, इनके बारे में आप स्टडी करें, सो आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ क्या प्रोडक्ट है. सो फ्रेंड्स, ये अगेन ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स होने वाले हैं हमारे मार्केट में आने वाले टाइम में, और इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप डीप में स्टडी करके आप जानकारी ले सकते हो कि प्रोडक्ट्स के एग्जैक्टली क्या वर्किंग है और किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आपकी और आपकी फैमिली की और आपके कस्टमर्स की साइमल्टेनियसली. नाउ बेबी केयर में भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है. बेबीज की जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही जेंटल होती है, तो उनकी स्किन के लिए हमने स्पेशल एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही जेंटल हैं और जो है आपके बच्चे की स्किन को सूट करते हैं. तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, काफ़ी न्यू प्रोडक्ट है ये और ऑलरेडी काफ़ी अच्छी डिमांड में है ये. नाउ होम केयर, कुछ मार्केट्स में हमारे पास होम केयर के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है चाइना का मार्केट, जहाँ पे कंपनी के पास कुछ होम केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एयर फिल्टर हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही यूनिक तरीके के और अलग हट के प्रोडक्ट्स हैं. और ऑफ कोर्स जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि एनएसटी ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो है तो ग्लोबल कंपनी लेकिन लोकल टच के साथ है, यानी हमारे जो लोकल मार्केट का ट्रेंड है कंपनी हमेशा उसका ध्यान रखती है कि लोकल मार्केट में हम क्या ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस जो है वो ज़्यादा बूस्ट कर सकता है. नाउ अब मैं आपको बात करता हूँ इनकम की, बात करता हूँ कि इनकम आप किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी तक कंपनी के बारे में बता दिया, आपको मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया है, और ऐसा बोला जाता है प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी. तो प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, चाहे वो मनी की प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन हमारे पास है, तो ये दोनों मिला के बनता है एक अपॉर्चुनिटी. और इस अपॉर्चुनिटी में एक मेथड नहीं है अर्न करने का, दो मेथड नहीं है अर्न करने का, तो पूरे के पूरे चार बेसिक मेथड्स जिनके जरिए बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहला बेनिफिट हमारे पास रिटेल कमीशन का. रिटेल कमीशन में मतलब क्या है, आप जो है होलसेल पे या डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट लेते हैं और रिटेल प्राइस पे आप उसको प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो इन जो दोनों प्रोडक्ट इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका एक रिटेल मार्जिन होता है. यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट लिया और आपने उसको आपने 130 रुपए पे बेचा, तो ये जो 30 रुपए है ये आपका रिटेल प्राइस है, ये आपको रिटेल बेनिफिट है. सो ये रिटेल कमीशन है. नाउ अभी एनएसटी ग्लोबल एक आपको बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है ई कॉमर्स बिजनेस. सो यहाँ पे एक कंपनी आपको पावर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ और दिल्ली में बैठ के मैं अपने एक फ्रेंड को यूके में प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो फ्रेंड्स और किसी कंपनी में मेरे पास स्टॉक होना चाहिए, मेरे पास इन्वेंट्री होनी चाहिए, मेरे पास यहाँ से प्रोडक्ट मुझे ले जाकर वहाँ भेजना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंपनी एक पर्सनल वेबसाइट प्रोवाइड करती है, एक पर्सनल आपको पोर्टल प्रोवाइड करती है ई कॉमर्स का, जहाँ पे आपका फ्रेंड विजिट करेगा, वो वहाँ पे शॉपिंग करेगा और जो भी प्रोडक्ट का मार्जिन होगा वो आपके रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंस आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा और वो वहाँ से उसको वेयर हाउस से प्रोडक्ट भी डिस्पैच हो जाएगा. तो फ्रेंड्स रियल मायने में ये ग्लोबल बिजनेस है, तो आपकी जो पहुँच है रिटेल कमीशंस में वो ग्लोबल लेवल पे है, और एवरी टाइम आप जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आप उसको आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है और आप इसके थ्रू एक अच्छी इनकम कर पाते हैं. तो यहाँ पे रिटेल कमीशन सिर्फ ऑफलाइन कमीशन नहीं है, यहाँ पे सबसे एक्साइटिंग बात है यहाँ पे ऑनलाइन भी आप रिटेल कर सकते हैं, और ऑनलाइन रिटेल के लिए आपको घर पे माल रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी पूरे दुनिया में प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो वेबसाइट है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, अगर आप चाइनीज हैं तो आपको चाइनीज लैंग्वेज में हमारे पास वेबसाइट है, आप रशियन है आपको रशियन लैंग्वेज में हमारे पास वेबसाइट है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे सिर्फ इंग्लिश में ही आना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज में भी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं. नो डाउट जब कंपनी इंडिया में आती है तो उस टाइम पे हम इंडियन लैंग्वेज को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट में.
नाउ डायरेक्ट सेल्स कमीशंस और जनरेशन बोनस, ये मैं आपको एक सिंपल चार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप इस बिजनेस में और लोगों को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट से, मैं अच्छे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से मैं एक अच्छी इनकम कर रहा हूँ, और आपने अभी रेक रॉक का जो एग्जाम्पल देखा था, रेक रॉक सिर्फ 3% इनकम कर रहा था और 3% इनकम से उसने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की थी। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और बड़ी इनकम की, यानी यहाँ पे अगर आपने अपने ही जैसी फ्रेंचाइजी अपने फ्रेंड्स के पास ऑन की, सो जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको एज अ गोल्ड या प्लेटिनम मेंबर आपको 10% आप उनका शेयर उठा सकते हैं। आप एज अ आप लेवल वन पे, ये मैं बात कर रहा हूँ, और उन लोगों ने भी अगर किसी को इस बिजनेस को पास ऑन किया तो वो आपके लेवल टू पे आते हैं, और वो जो आपके लेवल टू पे होंगे उनके ऊपर आपको अगेन 5% का कमीशन आता है, और लेवल थ्री पे भी ये कंपनी लेके जाती है जहाँ पे आपको 3% का और एक्स्ट्रा कमीशन आता है, और ये 10% प्लस 5% प्लस 3% यानी 18% तक आप टोटल जनरेशन बोनस आप उठा सकते हैं। यहाँ पे ये 3% नहीं है जैसे रेक रॉक के एग्जाम्पल में था, और ये फ्रेंड्स आप जिस तरीके से देख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मल्टीपल बार सेल होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो जितनी बार भी आपका बिजनेस पार्टनर प्रोडक्ट परचेस करेगा या रीपरचेस करेगा, एवरी टाइम आप हर हफ्ते, आप चाहे वो ऑनलाइन सेल्स हो या ऑफलाइन सेल्स हो, आपको उसके ऊपर पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये काफी एक्साइटिंग पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस इनकम का हम नाम देते हैं जनरेशन इनकम, यानी कि आपका जनरेशनल बोनस या डायरेक्ट सेल्स कमीशन अभी हम बोलते हैं इसको। ओके, नाउ थर्ड इनकम पे आते हैं। थर्ड इनकम का मतलब है आपका एक्सप्रेस ओवरराइड बोनसेस। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट ये है कि आप जो हैं, आपको यहाँ पे अकेले सिर्फ आपको अपने दम पे टीम नहीं बिल्ड कर रहे हैं आप, ये जो आप सेल्स का नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं ये आप सिर्फ अकेले नहीं कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सिंपली दो टीम्स बिल्ड करना है, एक लेफ्ट टीम एक राइट टीम। जब भी आपके लेफ्ट टीम में या फिर राइट टीम में, आपके एक टीम में 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स हो जाते हैं और दूसरे लेग में आपके 1250 वॉल्यूम हो जाते हैं, तो आपकी एक मैचिंग होती है। मैचिंग का नाम होता है आपका साइकिल बोनस। साइकिल बोनस या फिर हम बोल सकते हैं उसको, ये कभी भी हो सकता है। आपको 2500 वॉल्यूम पॉइंट आपको एक्यूमुलेट करने में आप कितना भी टाइम ले सकते हैं, और 1250 वॉल्यूम में आप दूसरे लेग में एक्यूमुलेट करने के लिए भी आप कितना भी टाइम ले सकते हैं। जब भी आपका ये मैचिंग होता है तो आप 20% तक आप एक शेयर उठा सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के इनकम का, और इसकी कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स। ये आप हफ्ते में एक बार लें, हफ्ते में आप दो बार लें, हफ्ते में आप तीन बार लें, 10 बार लें, 20 बार लें, 50 बार लें, एक हफ्ते में आप 200 बार अपनी ये साइकिल उठा सकते हैं। 200 बार का लिटरल मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप एक हफ्ते में $50,000, यानी करीब करीब अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 32 से 33 लाख रुपए एक हफ्ते की बंदा इनकम कर सकता है एक्सप्रेस ओवरराइड बोनसेस का। और ये फ्रेंड्स इसकी सबसे बड़ी खासियत यह क्या है कि आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कोई भी आ रहा है किसी भी कंट्री से आ रहा है, आपने उसको ज्वाइन किया है नहीं किया, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपके अपलाइन ने उनको रिक्रूट किया है नहीं किया है, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपके टीम में है तो आप उसके ऊपर एक्सप्रेस ओवरराइड बोनस अर्न करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से आपका रियल मनी, एक बड़ा पैसा आप यहाँ पे बिल कर सकते हैं, जो कि आप सिर्फ अपने एफर्ट पे नहीं कर रहे हैं बल्कि आप और लोगों के भी एफर्ट पे कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला था आपको, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये आपको उस तरफ लेके जाता है ये पैसा। नो डाउट जनरेशन इनकम भी हमें उस तरफ लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीपल लोगों के एफर्ट से आपको पेमेंट मिलता है, आपके अकेले के एफर्ट से यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। नाउ चौथी इनकम है ट्रू मैचिंग बोनसेस। यहाँ पे हमने ट्रू मैचिंग बोनसेस का क्यों बोला है, क्योंकि ये मैचिंग बोनस इसको इस तरीके से बोला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है मिस्टर राम को मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। अब राम ने क्या किया, अपनी टू टीम्स बिल्ड करना शुरू की, एक लेफ्ट टीम और एक राइट टीम। अब राम को उसके ऊपर पेमेंट आना स्टार्ट होता है। अब अगर राम ने महीने का 1 लाख रुपए कमाया साइकिल के ऊपर, जो हमारी एक्सप्रेस ओवरराइड बोनसेस हैं, तो आपको एज अ गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर या प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर आपको 10,000 रुपीज आपको उसके ऊपर आपको पे आउट मिलता है। यानी ये चेक किसका आया, ये चेक आया राम का, लेकिन उसके ऊपर पे आउट किसको मिला, आपको मिला। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो भी आप बिजनेस पार्टनर को हेल्प करते हैं दोनों टीम्स में बिजनेस बिल्ड करने के लिए, एवरी टाइम आप उसके ऊपर एक कमीशन बनाते हैं, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी टीम में अपने पर्सनली 400 से 500 लोगों को अपने 10 साल में जोड़ा, अपने बिजनेस में आपने लेके आए, अब वो 400 से 500 लोगों को अगर कंपनी 1 करोड़ का पे आउट भी दे रही है, तो आपको फ्रेंड्स बिना कुछ किए भी आपको 1 लाख 10 लाख रुपए आपको आपके घर पे मिल रहा है। मैं जस्ट एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको मैं जस्ट एक पावर बता रहा हूँ। तो आप एक बड़ी इनकम कर सकते हैं, न केवल लेवल वन पे। अगर आपने 400 लोगों को लेवल वन पे रिक्रूट किया है तो लेवल टू पे मैक्सिमम आपको कम से कम नहीं तो 1000 से 2000 5000 लोग भी आपको मिल सकते हैं लेवल टू पे। और गेस व्हाट फ्रेंड्स,
इन सबके ऊपर जितनी भी इनकम हो रही है, इनको जितना भी एक्सप्रेस ओवरराइड साइकिल आ रहा है, उस सबका 5% आपको मिलने वाला है। और न केवल यहाँ पे बल्कि लेवल थ्री पे भी अगर हम बात करें तो आपको लेवल थ्री पे भी 3% का कंपनी और एक्स्ट्रा पे आउट करती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीरियस मनी की, और इस मनी के अलावा भी कंपनी आपको बहुत सारे बोनसेस देती है जो करीब करीब $90,000 तक जाता है। $90,000 तक आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काम स्टार्ट करने के लिए, जिससे मैंने आपको बताया टोटल 4 अलग अलग लेवल्स हैं, प्लैटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। मैं जस्ट अगर आपको एक ब्रीफ में अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो प्लैटिनम और गोल्ड पे आपको प्रोडक्ट के डिस्काउंट मैक्सिमम है, आपको 30% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है आपके घर पे। सिल्वर पोजीशन पे आपको 10% का बोनस, आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, और ब्रॉन्ज पोजीशन पे आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आप एनएसटी ग्लोबल के आपको प्रोडक्ट्स पसंद है, अगर सिर्फ आप प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं, आप थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स को सेल करके आप हैप्पी हैं, तो मे बी शायद आप सिल्वर या ब्रॉन्ज लेवल से आप स्टार्ट करें। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो नो डाउट फ्रेंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये सीरियस पोजीशंस हैं जहाँ से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों पोजीशंस इक्वल हैं कमीशन के मामले में, दोनों पे आपको 20% का आपको एक्सप्रेस ओवरहेड परसेंटेज मिलता है वीक लेग पे, और 20% जो कमीशन है दैट इज हाईएस्ट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज 10-11% पे दम तोड़ देती हैं। देन आपको जनरेशन इनकम है वो एज अ प्लैटिनम और एज अ गोल्ड आप 10, 5 और 3% डीप तक आप उठा सकते हैं। और जो मैचिंग बोनसेस हैं जो कि अनदर एक्साइटिंग इनकम है, वो भी आप 3 लेवल डीप तक एज अ गोल्ड और एज अ प्लैटिनम आप उठा सकते हैं। एज अ प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर आपको 2 बेनिफिट होते हैं। एक पहला बेनिफिट क्या है, आपको जो बैक ऑफिस है वो आपका लाइफ टाइम के लिए आपका फ्री होता है। दूसरा, अगर आप एज अ गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको एवरी ईयर आपका बैक ऑफिस यानी जो आपकी वेबसाइट है आपको उसको अपडेट करना होता है। ओके, आपको उसको आपको देखना होता है कि आप उसका रिन्यूअल फीस आपको हर ईयर में आपको एक बार भरनी होती है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। और प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर $90,000 का जो हमारा मैच आपका सुप्रीम बोनस है उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। और इन सब के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी आप स्टार्ट करते हो, आप हमेशा ऊपर ही जाते हो, आप कभी नीचे नहीं जाते हो। नाउ इसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ एक अलग एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ जो किसी और प्लान में नहीं है। चाहे आप इंडिया का कोई भी प्लान आप देख लें, किसी भी प्लान में ये सारे एडवांटेजेस नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, यहाँ पे वीकली पे आउट है। मे बी शायद इनमें से कुछ एडवांटेजेस कुछ कंपनीज के पास हैं, लेकिन मैं एक सारे पैकेजेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वीकली पे आउट है यानी जो भी बिजनेस करते हैं आप, आपको डेलस टैक्सेस के टाइम के हिसाब से आपको फ्राइडे इवनिंग में आपको पे आउट हो जाता है। दूसरा, आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हर महीने नहीं परचेस करना है जबरदस्ती एक्टिव रहने के लिए। आपको कोई भी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी की तरफ से, आपको कोई भी तरीके की फीस नहीं भरनी है हर हफ्ते या हर महीने, आपको कोई भी वॉल्यूम परचेज नहीं करना है जबरदस्ती अगर आपका कस्टमर नहीं है पैसे कमाने के लिए या फिर यहाँ पे एक्टिव रहने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स। ये इकलौती ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो इतना अच्छा कर पा रही है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, और कस्टमर के बीच में इतने डिमांड होने की वजह से कंपनी को जरूरत नहीं है आपको फोर्स करने के लिए कि आप प्रोडक्ट्स बाई करें। आपका कस्टमर ही आपके पीछे पड़ेगा और आपको बोलेगा मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए। सो आपको यहाँ पे एक ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। थर्ड थिंग, अगर आपने इनमें से कोई भी रैंक से स्टार्ट किया, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, आप हमेशा प्रमोशन ही आप कर सकते हो, डिमोशन कभी नहीं होगा, कभी भी आपकी रैंक नहीं गिर सकती है। और यहाँ पे ऊपर जाने के ऑफकोर्स कई सारे ऑप्शन होते हैं जो अगेन आपको बता सकता है आपको जो पर्सन जिसने आपको इन्वाइट किया है। नाउ फ्रेंड्स, पे प्लान तो सिर्फ एक सीढ़ी होती है, लेकिन सीढ़ी पे चढ़ाने वाला जो होता है वो होता है हमारा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। आप पहाड़ पे या फिर आप जो सीढ़ी पे आप चढ़ते, जो मंजिल पे आपको पहुंचना है उसके लिए जो गाइडेंस होता है वो बहुत जरूरी है, वो आपको आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम से। यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं, जैसे मैं जो गार्सिया सर का नाम स्पेशली पहले लूंगा, जो माइंडसेट के ऊपर जबरदस्त ट्रेनिंग देते हैं, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं वो। और यहाँ पे हम 3 स्टेप में आपको ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले हम आपको एजुकेशन देते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी काम आप करते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन की जरूरत होती है। चाहे आपने कोई भी चीज़ किया, चाहे आप आज जो जॉब कर रहे हैं वो आपने एक दिन में आपको जॉब नहीं मिली, आपने उसके लिए 14-15-16 साल पढ़ाई की है, उसके बाद जाके आप वो जॉब आप कर पा रहे हो क्योंकि आपने उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन ली है। तो उसी तरीके से जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको सब कुछ अपने आप से करना है, यहाँ पे आपको मेंटर हैं, यहाँ पे आपके कोचेज हैं जो आपको एजुकेट करेंगे। दूसरा, मोटिवेट, आपको राइट डायरेक्शन, जब आपको राइट माइंडसेट मिलता है तो आप मोटिवेट भी होते हो। और इंस्पायर, फिर आप ये 3rd लेवल है जहाँ पे आप लीडरशिप में आते हो, आपकी स्टोरी और लोगों को मोटिवेट करती है आपके जैसा बनने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो ट्रेनिंग सिस्टम है, 3 बहुत ही सिंपल वर्ड्स में,
एजुकेट करता है आपको बिजनेसमैन बनने के लिए, मोटिवेट करता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, और थर्ड थिंग, इंस्पायर आप करते हो जब आप एक रोल मॉडल बनते हो और लोगों के लिए। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा परफेक्ट डुप्लीकेशन सिस्टम है, कम्प्लीटली ऑनलाइन, जिसको आप कभी भी अटेंड कर सकते हो। नाउ आपको यहाँ पे मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं। आप ऊपर एक फोटो देख पा रहे होंगे जहाँ पे एक ये क्रूज शिप है, जहाँ पे NST बीच में लिखा हुआ है। ये एक एक सिंगल पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने उस कंट्री में जब बिजनेस ओपन किया था तो इतने सारे लोग उन्होंने कमिटमेंट किया था कि एक क्रूज शिप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाएगा। और NST ग्लोबल के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक सिंगल पर्सन के ऑर्गेनाइजेशन से ही पूरी क्रूज शिप भरी हुई थी, और वो ये उस क्रूज शिप की पिक्चर है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। सो फ्रेंड्स, इंडिया से भी हम जब फ्यूचर में ये बिजनेस लॉन्च होगा तो हम सब भी ऐसे ही किसी क्रूज शिप के पार्ट होंगे हमारी टीम के साथ। यहाँ पे आपको आपको एक अच्छी कार चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम्स हैं। अगर आप अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, हर कोई जानता है कि अमेरिका में एजुकेशन का सिस्टम क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है, तो आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप आप अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। देन लीडर्स को इक्विटी, यानी बहुत सारी अनदर फॉर्म्स में कंपनी पे आउट करती है जिसका रुपीज़ के टर्म्स में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। देन सुप्रीम बोनस, सुप्रीम बोनस जहाँ पे बहुत सारे अच्छे कैश रिवॉर्ड्स आप अर्न कर सकते हो, $25,000 तक वे आप सुप्रीम बोनसेस में आप अचीव कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए आप एक और आप अपने जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको सुप्रीम बोनस प्रोग्राम की लिंक शेयर कर सकते हैं। नाउ इंटरनेशनल रिकग्निशन प्रोग्राम, नो डाउट अगर आपको फेम चाहिए तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बेहतर कोई फ्रेम नहीं हो सकता प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स, आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए तो पूरी दुनिया के सामने आप रिकॉग्निशन लीजिए, और 9 एक्साइटिंग लेवल्स हैं जिनकी आप रिकॉग्निशन लीजिए, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्रोग्राम हमारा इसी का हिस्सा है। और ये एक तरीके से गेज भी है, ये आपकी सफलता, आप कितने सफल हो रहे हैं बिजनेस में, इस चीज़ का एक पैमाना भी आपको दिखाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब आते हैं कंपनी हमें क्या सपोर्ट करेगी। कंपनी का सपोर्ट फ्रेंड्स 24/7 है, 24 घंटे सातों दिन कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट रहता है। सेकंड थिंग, ये दुनिया की पहली कंपनी थी जिन्होंने बैक ऑफिस की फैसिलिटी डायरेक्ट अपने वेबसाइट में ही एक पर्सन को दे दी। जब आप NST ग्लोबल के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो तो बैक ऑफिस जो होता है वो आपके हाथ में ही दे देती है कंपनी, आपको उसके लिए कहीं किसी कॉल सेंटर में कॉल करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब आपके बैक ऑफिस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये पहली कंपनी थी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को लेके आए थे, सो ये एक अनदर एक्साइटिंग चीज है। तीसरा चीज, आप कस्टमर सपोर्ट को आप अपने बैक ऑफिस से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सो ये एक अनदर एडवांटेज है कि आप कभी भी आप अपने सवालों के जवाब के लिए आप कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चौथा, हेल्दी लाइफ स्टाइल सेंटर प्लस है, जो ये एक अनदर प्रोग्राम है जिसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, जो नॉर्थ अमेरिका में तो बहुत ही फेमस है और बाकी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी फेमस हो रहा है। तो ये एक्चुअल में है क्या फ्रेंड्स, HLC प्लस। यहाँ पे आप अगर आपको सिर्फ NST ग्लोबल के आपको प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं और आपको ये देखना है कि ये प्रोडक्ट्स कितने कितने बढ़िया हैं, कितने शानदार हैं, तो आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं। आपको जैसे नोनी जूस देखना है, आप नोनी जूस आइए, आप एक प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। आपको फेसलिफ्ट ट्राई करना है, आप यहाँ पे आइए, आप फेसलिफ्ट ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी एक्साइटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगेन, जब भी आपको बाई करना है प्रोडक्ट तो आपको किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको वो लेना होगा, आपको कांटेक्ट करना होगा, या फिर आपको खुद एक प्रेफर्ड कस्टमर बनना होगा किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो ही आप इस प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस देता है और उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ जो है वो और फास्ट हो रही है फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, सबसे पहली चीज आप अपनी खुद की एक लाइफ स्टाइल के बारे में सोचिए। लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल का सिर्फ मेरा मतलब हेल्थ से नहीं है, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मेरा मतलब है पैसे से, हेल्दी लाइफ स्टाइल का मेरा मतलब है पीस ऑफ माइंड से, और हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब है एक वेलनेस के जो आपका ये हमारा मिशन है इसके साथ एसोसिएट होने से। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं और हमारे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो और लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। हम आपको एक एक चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं, एक एक चीज़ में हम आपको हेल्प करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब मैंने आपसे सिक्योरिटी की बात की थी फ्रेंड्स, सिक्योरिटी का मतलब इंडिया में सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना ही रह गया फ्रेंड्स। कोई भी आज के डेट में इतना सिक्योर नहीं है या इतना सेफ नहीं है कि जो आज उसके घर में अर्निंग हो रही है वो पास ऑन कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जनरेशंस के लिए आप एक लेगेसी छोड़ सकते हैं, आप एक ऐसी पुश्तैनी जायदाद टाइप की आप इसको छोड़ सकते हैं जो कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको कैश कर सकती हैं, इसका बेनिफिट उठा सकती हैं। तो फ्रेंड्स,
ये काम आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपने आने वाली जनरेशंस के लिए भी आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अभी एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा वो ये बोलूंगा कि कोई भी काम जो आप करते हैं उसकी शुरुआत एक सपने से होती है, एक सोच से होती है, एक डिजायर से होती है। और अगर आप एक बड़ी कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, एक ग्लोबल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, तो नो डाउट आपके सपने भी बड़े होने चाहिए। सो बड़े सपने जरूर देखिए और बड़े सपने की थ्रू ही आप इस बिजनेस के में आएंगे और इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। जो ओनली रिक्वायरमेंट है हमारे तरफ से आपके अंदर वो है एक बिग डिजायर सक्सेस के लिए, एक बिग डिजायर एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, एक बिग डिजायर सिक्योरिटी के लिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं तो हम आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं फ्रेंड्स, और आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे आपके पास कंपनी का ऑनलाइन पूरा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास लीडरशिप है, आपके पास वो पर्सन है, वो मेंटर है जो जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, वो ऑलरेडी उस ट्रेनिंग प्रोसीजर का हिस्सा है, और वो आपको आज एक मौका दे रहे हैं कि आप आज की डेट में वो मौके को इनकैश कर सकें और आप अपनी लाइफ चेंज कर सकें। ओके सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करता हूँ। यहाँ पे मैंने बात जहाँ स्टार्ट की थी डिजायर से कि हमारी लाइफ बैलेंस कैसे हो सकती है, और एंड भी मैं वहीं कर रहा हूँ कि एक बैलेंस लाइफ स्टाइल की डिजायर कीजिए और एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कीजिए। ओके सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वेबिनार को एंड करता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ अगेन लॉरिस सर का, जिन्होंने इतना अपना कीमती टाइम दिया हमें, और हमारे साथ वो हैं और हमें गाइड कर रहे हैं हर कदम पे, हर जगह पे वो हमें हेल्प कर रहे हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ओके सो फ्रेंड्स, आई एम कनेक्टिंग बैक टू लॉरिस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेबिनार। आई होप यू ऑल हैव अ गुड डे। बाय बाय। Okay, folks. So thanks, Aditya, for explanation and really detailed presentation. And if you have any more questions, then get back to the person who invited you to this webinar and ask all the questions. Okay, thank you, guys. Bye bye.